मेरे प्रिय भारतीय मित्रों, भारत के खास ताजिक दोस्तों, देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों ने पूरी तरह भारतीय परिधान में अर्थात इंडियन कॉस्ट्यूम में भारतीय भाषाओं पर आधारित और भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ देखी और इन झलकियों को देखते समय मैं अपनी बात कह रहा हूँ, शायद आप लोगों को क्या लगेगा लेकिन जो मेरी टीम आई है, डेलीगेशन आया है, उनको भी लगेगा। कैसा लग रहा था कि शायद हम तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में नहीं हैं बल्कि हम इंडिया के किसी शहर में उसमें ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेस हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत की गई, उनकी विशेषता एक और थी कि ये सभी कलाकार हमारे ताजिक सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड यंग पीपल, बहुत बड़ी विशेषता। और उनकी परफॉर्मेंस को देख करके लग रहा था कि अगर उनको मार्क्स दिए जाएं तो वो 100 में 100। मैं आप सभी की गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आप सबको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपसे मिलकर और ताजिकिस्तान की यात्रा पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस देश के साथ हमारे विशेष और ऐतिहासिक संबंध रहे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में इस खूबसूरत देश की और मध्य एशिया की ये मेरी पहली यात्रा है, लेकिन मैं एक दूसरे ख़ास तरीके से ताजिक लोगों और उनकी संस्कृति के साथ जुड़ा रहा हूँ जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब मैं बिहार का राज्यपाल था राष्ट्रपति बनने के पूर्व, उस समय मुझे महान फारसी कवि वेदिल के मानवतावाद को गहराई से जानने का अवसर मिला। उनका जन्म बिहार राज्य की राजधानी पटना में हुआ था। ताजिकिस्तान के लोग उन्हें बहुत चाहते हैं और उनकी शायरी पर फिदा है। कल मेरी मुलाकात राष्ट्रपति रहमान के साथ होनी है और उनके साथ मुझे भारत ताजिक रिश्तों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करना है। वे भारत के घनिष्ठ मित्र हैं और उन्होंने भारत एवं ताजिकिस्तान के आपसी संबंधों को अपना अटूट समर्थन दिया। दुशानबे में मेरा स्वागत बहुत गर्मजोशी और प्रेम से किया। जब किसी दूसरे देश में आप अपने लोगों से, अपने भाइयों बहनों से मिलते हैं तब उनके प्रति एक गहरा लगाव महसूस होता है। दुनिया के अनेक हिस्सों में जहाँ जहाँ पर भी मैं गया वहाँ मुझे भारतीय समुदाय से मिलने और उन्हें संबोधित करने का सुअवसर मिलता रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने लोगों से इस प्रकार से मुलाकात करते हुए बहुत उल्लास और खुशी होती है और इस भावना को मैं अपने हृदय में हमेशा सहेज कर रखता हूँ। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि यहाँ भारतीय समुदाय यद्यपि बड़ी संख्या में नहीं है लेकिन उनकी खासियत ये है कि वे न केवल आपस में बल्कि ताजिक लोगों के साथ भी खूब घुल मिल गए हैं। अभी अभी मेरे स्वागत में कुछ
जिसका मैंने उल्लेख किया, ताजिक और भारतीय युवाओं ने खूबसूरत भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। ये शानदार प्रस्तुति इस मेलजोल का जाहिर सबूत है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये देखकर हो रही थी कि इस देश पे भारतीय संस्कृति, भाषा, नृत्य और संगीत के बारे में जानने में गहरी दिलचस्पी है। भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड के स्टार यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। विचार करें कि ऐसा क्यों है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों देशों के जीवन के तौर तरीके मिलते जुलते हैं और इसके कारण हम एक दूसरे को आसानी से समझ भी लेते हैं। ताजिकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक समानता बहुत है। ये समानता हमारे खान पान में, संगीत में, पहनावे में और भाषा में भी देखी जा सकती है। यहाँ रह रहे हमारे भारतीय भाई बहनों को ये सब देख सुन करके महसूस करके सुकून होता होगा। भारत और ताजिकिस्तान के बीच सदियों से विचारधाराओं, फिलॉसफी, थॉट और रिलीजन का आदान प्रदान होता रहा। दोनों देशों में सराहनीय मानवतावादी परंपराएं फलती फूलती रही हैं। महान सम्राट कनिष्क का यहाँ भी उतना ही सम्मान किया जाता है जितना भारत में। बौद्ध धर्म, पारसी और हिंदू मत भी इस देश में फले फूले सिल्क रूट से और नदी घाटियों एवं पहाड़ी दर्रों से होकर ताजिक कला और शिल्प तथा वाणिज्य और व्यापार की पहुँच भारत तक रही है। आज दोपहर जब मैं हवाई जहाज से ताजिकिस्तान आ रहा था तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि केवल हिस्ट्री ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी भी हमारे दोनों देशों को आपसी जुड़ाव में मददगार रही है। ऊपर आकाश से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे विशाल पामीर पठार बाहें पसारे हुए आलिंगन के लिए हिमालय की ओर बढ़ता जा रहा है। देवी और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि इस देश के भारतीय समुदाय में बड़ी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की है। मुझे खुशी है कि अपनी मेहनत और निष्ठा से आपने यहाँ अपने लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। आप में से बहुत से लोग जल्दी ही अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे और देश वापस आकर अपनी सेहत और स्वास्थ्य के लिए अपना योगदान देने लगेंगे। मुझे खुशी है कि आपने इस देश में अपनी कल्चरल ट्रेडिशंस को भी जीवंत बनाए रखा है। मुझे बताया गया कि आप यहाँ सब पूरे उल्लास और उत्साह के साथ होली, दिवाली, ईद और अन्य भारतीय त्यौहार भी मनाते हैं। कभी ऐसा भी था जब खुजांद, पंचकंद, समरकंद, बुखारा और सिल्क रूट पर बसे अन्य महान नगरों में हमारा भारतीय समुदाय खूब फल फूल रहा था। ये नगर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जिस प्रकार आज आप लोग यहाँ मेले और त्यौहार मनाते हैं वैसे ही कभी वो भी मनाते होंगे। देवी और सज्जनों, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है जो कि 7.8% की दर से बढ़ रही है। हमारे आर्थिक सुधारों और विकास आधारित शासन के तौर तरीकों के अच्छे परिणाम दिखने लगे। पिछले 4 वर्षों की अवधि में ही हमने दूर दराज में बचे हुए लगभग 18,000 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण अर्थात इलेक्ट्रिफिकेशन करके भारत के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाई है। इस उपलब्धि से भारत बिजली तक पहुँच संबंधी वर्ल्ड बैंक की सूची में 73 स्थान ऊपर चढ़कर 26 स्थान पर आ गया। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया सहित सरकार के प्रमुख कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपने उज्ज्वला कार्यक्रम के जरिए हमने 5 करोड़ परिवारों को खाना पकाने की स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध करवा दी। मुद्रा योजना के जरिए हमने लाखों लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किया। इनमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए दुनिया को एकजुट कर रहे हैं। आज भारत में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। मैं आप सबसे आग्रह भी करता हूँ कि आप भारत में अवसरों की तलाश करें और अपने अपने तरीके से आर्थिक विकास में योगदान दें। हम इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पूरे विश्व में मना रहे हैं। 2 अक्टूबर को बापू के याद में दिल्ली में महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें ताजिकिस्तान ने भी भाग लिया था। मैं आशा करता हूं कि आप सब पूज्य बापू के संदेश को पूरे जोश के साथ चारों दिशाओं में ले जाएंगे। मुझे भी कल की प्रतीक्षा है, जब मुझे यहां दुशानबे में उनकी प्रतिमा पर सम्मान अर्पित करने का मौका मिलेगा। हमारी तरक्की में देश का नया आत्मविश्वास झलकता है। हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों में उल्लेखनीय विस्तार किया है। युगों युगों से हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते आ रहे हैं और विश्व भर को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए हमने विषम परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं में फंसे केवल अपने लोगों को ही नहीं बचाया, बल्कि अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक भी मदद का हाथ बढ़ाया। पिछले 4 वर्षों में हम विदेशों में मुसीबत में फंसे 90,000 से ज़्यादा नागरिकों को सुरक्षित बाहर लाने में सफल हुए। इनमें 50 से अधिक देशों के नागरिक भी शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने महसूस किया होगा कि अपने प्रवासी भारतीय समुदाय से जुड़ने और उस तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के तौर तरीकों में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत और विदेश में बसे भारतीयों के बीच इमोशनली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और इंस्टीट्यूशनली तौर पर संबंध इन वर्षों में ज़्यादा गहरे हुए। हमने विदेश में बसे अपने लोगों के साथ बेहतर संपर्क के लिए भारत को जानिए क्विज की भी शुरुआत की है। हमने अपने मिशनों को निर्देश दिया है कि वे ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहें। हम ये मानते हैं कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को मजबूत बनाने में हमारा प्रवासी भारतीय समुदाय हमारा महत्वपूर्ण साझीदार है। आप में से हर एक भारतीय की भूमिका भारत के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सच है कि यहाँ हमारे राजदूत नियुक्त हैं, राजदूत अर्थात सरकारी राजदूत, लेकिन हम आप में से हर भारतीय को अपना सांस्कृतिक राजदूत मानते हैं। वी टेक यू एज कल्चरल एम्बेसडर। हमें भरोसा है कि आप ताजिकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते को और भी घनिष्ठ बनाएंगे। अगले वर्ष हम वाराणसी में 21 से 23 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। मैं उस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सभी को आमंत्रित भी करता हूँ। हमारे जो ताजिक मित्र यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्षमता निर्माण और विकास के कामों में भारत अपना सहयोग ताजिकिस्तान को देता रहेगा। मैं इस देश में भारतीय भाषाओं और भारत विद्या के शिक्षकों, प्रोफेसरों और विशेषज्ञों के कार्यों की गहरी सराहना करता हूँ। ताजिकिस्तान के प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर हबीबुल्ला रजोबोव को इस वर्ष शिक्षा और साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री प्रदान करके मुझे बहुत खुशी हुई। और अंत में जो मेरा निवास है, राष्ट्रपति भवन निवास भी है, कार्यालय भी है, लेकिन बेसिकली इट इज़ अ नेशनल मॉन्यूमेंट। इट बिलोंग्स नॉट ओनली टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट टू ऑल इंडियंस। और इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश भी करूँगा कि जब कभी भी आप दिल्ली आएँ तो एक बार राष्ट्रपति भवन ज़रूर आएँ। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप इन दो महान देशों के बीच गहरी साझेदारी में अपना पूरा योगदान देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।